इस वीडियो में व्हाट्सएप के 5 न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो ये पांचों के पांचों फीचर आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये पांचों फीचर जान जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप यूज करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो सभी फीचर के बारे में एक एक करके बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है तो होता क्या है कि कभी कभी लोग व्हाट्सएप में गलत वीडियो, गलत मैसेज, गलत फोटो सेंड कर देते हैं, तो इस तरीके से काफी ज्यादा ग्रुप कचरा हो जाता है। तो अगर आप एक ग्रुप एडमिन है तो कोई भी अगर आपके ग्रुप में फालतू का मैसेज वीडियो सेंड करता है तो उसको आप खुद से डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। जब आप डिलीट फॉर एवरीवन कर देंगे तो सारे के फोन से वो मैसेज, फोटो और वीडियो डिलीट हो जाएगा। जैसे आप पर्सनली पहले डिलीट फॉर एवरीवन करते थे, डिलीट फॉर एवरीवन करके आप अपने ग्रुप को सुरक्षित एंड सेफ रख सकते हैं। तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपको किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करना है, आपके ग्रुप में जो भी लोग मैसेज किए हैं, फोटो वीडियो सेंड किए हैं, जो भी कुछ किए हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। इसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपली आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे खुद का नंबर पे खुद से मैसेज को आप सेंड कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ी फायदा यह है कि अब आपको विदाउट नंबर सेव किए आप किसी के पास मैसेज को सेंड कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। मैसेज के आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैसेज योर सेल्फ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज करता हूं तो ये मेरे नंबर पे ही मैसेज जाएगा, दूसरे के नंबर पे नहीं जाएगा। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी पर्सन के पास व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते उसका नंबर सेव किए, तो आपको करने क्या है कि उसका यहाँ पे नंबर को आपको सेंड कर देना है। नंबर सेंड करने के बाद उस नंबर पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे चैट विथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो उस बंदे का यहाँ पे व्हाट्सएप चैट खुल जाएगा। आप यहाँ से उसके पास फोटो वीडियो मैसेज कुछ भी इजिली सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नंबर सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। इस फीचर को एज ए आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप नोटपैड में सेव करते हो ऐसे आप यहाँ पर भी आप सेव कर सकते हैं। तो काफी कमाल का फीचर है। मान लेते हैं कि आप ग्रुप में चैटिंग कर रहे हैं, ग्रुप में फोटो वीडियो सेंड कर रहे हैं, तो अगर आपके ग्रुप में कोई फालतू का वीडियो फोटो मैसेज सेंड कर दिया है, आप उसको मना करना चाहते हैं कि भाई ऐसा फोटो या वीडियो ग्रुप में सेंड मत करो, इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिससे भी चैट करना चाहते हैं उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। 3 लाइन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिप्लाई प्राइवेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप उस बंदे के चैट पे चले जाएंगे और उससे आप कुछ भी पर्सनली बात कर सकते हैं। कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो इसका क्या फायदा है मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आप ग्रुप में चैटिंग कर रहे हैं और आपको कोई बंदा बोल रहा है कि ये कौन है भाई, इस तरह का मैसेज सेंड कर रहा है, ये कौन है, इसको मना करो, तो आपको करना क्या है कि जो इस तरीके का मैसेज सेंड किया उसको सिंपली आपको मेंशन कर देना है। जैसे ही आप मेंशन करके और उसको ग्रुप में सेंड करेंगे तो उस मेंशन के ऑप्शन पे लोग क्लिक करके और डायरेक्ट उस बंदे से चैट कर पाएगा जो फालतू के मैसेज वीडियो सेंड करता था, और डायरेक्ट उस बंदे से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले @ लगा देना है। इसको भी मेंशन करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे नाम सर्च करेंगे उसके बाद इसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड मैसेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है तो जितना भी ग्रुप में मेंबर होंगे सारे के पास ये चला जाएगा। कोई भी इस बंदे से पर्सनली चैट करना चाहेगा ग्रुप में तो उस पे क्लिक करेगा, इस मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करके, और कोई भी बंदा उससे पर्सनली चैट कर पाएगा जिसको आप मेंशन किए हैं। अगर आप एक ही साथ बहुत सारे लोगों के पास मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, वीडियो या फोटो को सेंड करना चाहते हैं, तो आप कम्युनिटी फीचर का फायदा उठा सकते हैं। पहले होता क्या था कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते थे तो आप ग्रुप में करते थे तो केवल एक ही ग्रुप के पास जाता था, लेकिन इस कम्युनिटी फीचर का फायदा उठा के आप केवल एक ही बार में
21 ग्रुप के लोगों के पास मैसेज को सेंड कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों के पास एक ही बार में मैसेज को सेंड कर पाएंगे। तो इसको कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए चैट के बगल में कम्युनिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट योर कम्युनिटी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कम्युनिटी का जो प्रोफाइल आप लगाना चाहते हैं वो सेट कर देना है, कम्युनिटी का नाम देना है। उसके बाद कम्युनिटी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए ABC लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पे राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं किसी को पर्सनली ऐड करना तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं किसी को भी ऐड कर देता हूँ इस पे क्लिक करके और कोई भी ग्रुप को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो चलिए मैं इस ग्रुप को, इस ग्रुप को, इस ग्रुप को, तीन ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर से यहाँ पे मैं सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो इसका एक कम्युनिटी बन गया। अगर मैं चाहता हूँ किसी और ग्रुप को ऐड करना तो यहाँ से कर सकता हूँ, किसी को मैं चाहता हूँ कि एग्जिट करना तो उसको भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कम्युनिटी को डिलीट करना, डीएक्टिवेट करना तो भी मैं कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी मैसेज को सेंड कर देता हूँ, इस पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज को सेंड करूंगा तो जितना भी मैं ग्रुप ऐड किया हूँ सारे के पास एक ही बार में मैसेज चला जाएगा। दोस्तों ये था व्हाट्सएप के 5 न्यू फीचर। 5ों फीचर में से सबसे ज्यादा कौन सी फीचर आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।